तो गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। आयुर्वेद में भी दुर्वा का जो रस है मेमोरी ताकत को बढ़ा देता है। दुर्वा का रस लेने से दौड़ा नहीं पड़ता, मृगी के रोग समाप्त हो जाते हैं। दुर्वा इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा प्रभावशाली है। भगवान करे आप सब निरोगी रहे। रोग ग्रसित जीवन बहुत बड़ा दुखदायी है, नरक बना देता है। उसके लिए थोड़ा सा अपने शरीर का ख्याल रखते रहिएगा और ये सब देसी चीजें पत्ते वत्ते खाते रहिए। पशुओं में बकरी जल्दी बीमार नहीं होती, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। क्यों बीमार नहीं होती? ये पत्तियां ज्यादा खाती है, इसको बेर की पत्तियां, बबूल की पत्तियां बहुत ज्यादा इसको भाती हैं, इसलिए बीमार नहीं होती, जल्दी बीमार नहीं होती। और उसका दूध कितना ग्राही है, यदि प्लेट से कम हो जाए तो बकरी का दूध पिला दो और हाली प्लेट बढ़ जाती है। ये इसलिए है क्योंकि पत्तियां खाती है। आप भी तुलसी की पत्तियां खाते रहिए, नीम की पत्तियां खाते रहिए, बबूल की छाल खाते रहिए, फलियां खाते रहिए। बबूल का गौंद बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। जितनी बीमारियां माताओं को होती हैं उसकी अपेक्षा पुरुषों को नहीं होती। डिलीवरी होने के बाद, संतान होने के बाद तो बहुत बीमारियां घेर लेती हैं, इसलिए बच्चों के जन्म से पहले से ही यदि बबूल के गोंद का देवियां सेवन करती हैं इसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। ये सब देसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। तो भगवान गणेश को, गजानंद को दुर्वा चढ़ती है, ऐसे अति प्रसन्न होते हैं। हम भगवान गणेश को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।